आज हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड के बारे में कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगता है, कौन से क्रेडिट कार्ड पे सालाना चार्ज नहीं लगता, किसी किसी पे सालाना चार्ज लगता है ईयर जिसे ईयरली कहते हैं या सालाना, जिसमें आपको समझ में आ जाए तो उसमें चार्ज लगता है कि इतने 2,800 रुपये 900 रुपये से सालाना चार्ज कटेगा। तो बहुत ऐसे क्रेडिट कार्ड जैसे एक्सिस बैंक हुआ, HDFC हुआ, कुछ ऐसे बैंकों का है जो सालाना चार्ज करता है, ठीक, पे लेटर का नहीं करता है। पे लेटर में कन्वेंशन फीस लेते हैं सब, वो भी किसी किसी का, सब में नहीं कन्वेंशन फीस लगता है। तो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पर दिया जाता है इस सब का। तो चलिए आज हम एक फ्री क्रेडिट कार्ड जिसमें कोई सालाना चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका आप लोग बनवा सकते हैं, अपने ही घर बैठे बना सकते हैं। आपको इसके लिए आपको केवल चाहिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप लोग गूगल पे फ़ोनपे चलाते होंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट आप जिनका क्रेडिट स्कोर सही रहेगा उनको तो मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड फ्री में, नहीं तो जिन लोगों का नहीं सही रहेगा वो लोग जितने का लिमिट, जैसे आप 2,000 रुपये इसमें फिक्स करेंगे तो आपको 2,200 रुपये लिमिट मिलेगा, ठीक, मतलब 110% मिलेगा लिमिट, क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, जैसे आप जितना भी फिक्स करेंगे उसका 110% आपको क्रेडिट लिमिट ये सब दे देते हैं, ठीक। तो इसमें आप एक साल के लिए पेमेंट फिक्स होता है जिसका 7% 7.5% या 6.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा आपको, और वो एक साल के लिए फिक्स होता है, इससे पहले भी आप लोग बंद कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस है, इसका बहुत सा प्रोसेस है, आप लोग देखिए इसमें पॉइंट वाइंट मिलता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके कार्ड का प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सी वीडियो यूट्यूब में है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक्टिवेशन है। इसके लिए आपको मेन 2-3 चीज़ ज़रूरी, पहला तो पैन कार्ड आपको कंपल्सरी होना चाहिए, एक आधार कार्ड का जो OTP लिंक होता है, OTP जाता है उससे एक्टिवेट होता, ये दो, और एक बैंक अकाउंट जिससे आप UPI चलाते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, जिस बैंक से आप फिक्स करेंगे उसी बैंक से पैसा कटना चाहिए, अलग से पैसा कटेगा तो ये नहीं बनेगा क्रेडिट कार्ड, ठीक, तो उसी बैंक से पेमेंट कटना चाहिए तभी जाके आपका ये क्रेडिट कार्ड इशू होगा। तो इसके लिए आपको देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म और यही सब मांगता है। इसमें आप प्रोसेस करेंगे ऑटोमेटिक तो आपको समझ में आएगा क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक ना। तो देखिए ये फ्री का क्रेडिट कार्ड, इसे आप लोग बनवा सकते हैं, बना के यूज करिए। अमेज़ोन से भी 100-100 रुपये वाला ऑफर है, आप लोग क्रेड ऐप, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्रेड ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप लोग फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो आपको मिलेगा 250 रुपये कैशबैक। फर्स्ट साइन अप करते ही आपको एक क्रेडिट कार्ड बिल पे, अपना वन कार्ड में एक बिल 1,000 का डिपॉजिट करेंगे तो आपको 250 रुपये मिल जाएगा, तुरंत मिलता है, लेकिन अगर वही लेट बिल पेमेंट करेंगे तो नहीं मिलता। इसलिए जब भी अगर क्रेड ऐप डाउनलोड करें तो उसमें तुरंत कार्ड नंबर डालें, उसमें 1,000 रुपये डाल दें, क्योंकि वो आप लोग जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जब चाहे जमा कर सकते हैं, आप इसमें निकाल लीजिए, अगर जमा है पूरा है भी है तो भी उसमें डाल लीजिए 1,000 रुपये, क्योंकि वो पेमेंट उसी में बढ़ जाएगा, 1,000 रुपये प्लस हो जाएगा, तो आप लोग उसे खर्च कर सकते हैं, खर्च कर लीजिए, निकाल लीजिए ये भी, या तो पहले आप 1,000 रुपये पेटीएम वॉलेट में ऐड कर लीजिए या कहीं पर भी कुछ कर लीजिए 1,000 का, फिर उसके बाद 1,000 बिल पेमेंट करिए तो आपको 250 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, उसके बाद रिफ़र करेंगे तो अलग से पैसा मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट कार्ड बनाने का लिंक है, ऐप लिंक है, और क्रेड ऐप का भी लिंक है जिससे बिल पेमेंट करके आप रेफ़र करके मिनिमम 750 रुपये एक रेफ़र पे कमा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।